हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोस्ट वांटेड वीडियो, यानी कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए था कि भाई हमें केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वही पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ना है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स से आई गेस सब थोड़े बहुत बोर हो गए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो चुका है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। ओके, और जो थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जिसने भी पढ़ना है प्लीज़ उस वीडियोस को सबको पूरा कंप्लीट पढ़िए। ओके, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मत सोचिए कि वो वीडियो कंप्लीट हो गई है तो हम जो है उसको पढ़ नहीं पाएंगे या फिर हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसने जो भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, जो कि है पार्ट फर्स्ट है इसका। ओके, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर जो भी स्टार्ट करें भले इस केमिस्ट्री का नहीं, किसी और भी, हम कहते हैं कि किसी और भी अगर आप बुक का पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने समझा था थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। वन मोर थिंग, मुझे पिछली वीडियो में मतलब जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपलोड की थी, आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, एंगल आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। बिकॉज एंगल चेंज इसलिए है बिकॉज मैंने एक्चुअल में जो है वीडियो स्टार्ट की है, पहले मैं कुछ भी नॉर्मल किसी भी चीज़ से बना रही थी, अभी मैंने वीडियो जो है एक्चुअल में एक बाकायदा ट्राईपॉड स्टैंड जो है यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको उस एंगल से समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं समझ आ रहा तो मैं चेंज कर दूँगी, एंगल पहले वाला ही रख दूँगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझिए केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि एटम्स या फिर आयन्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि कोई भी एटम हो, कोई भी आयन हो, उनको क्या कर रहा हो, होल्ड करके रख रहा हो। ठीक है, उनको क्या कर रहा हो, होल्ड करके रख रहा हो और उनको एक साथ जोड़े रखता हो कोई भी केमिकल स्पीशीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है दोनों एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो एक तरीके का सॉल्ट है, हम सभी को पता है, जिसमें सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, यानी आयनिक फॉर्म के अंदर ये इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, जो इन दोनों को बिल्कुल स्टेबल बॉन्ड बना के इनको स्टेबल रखता है, उस बॉन्ड का या फिर यूँ कहें कि उस फोर्स को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। यानी ऐसा फोर्स जो इन दोनों को बिल्कुल स्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़े रख रहा है, एक दूसरे के साथ बनाए रख रहा है, इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। यानी इनके बीच में एक ऐसा फोर्स है जो इन दोनों को जोड़े रख रहा है। ओके, ये हो गई हमारी केमिकल बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई केमिकल बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों कोई भी एटम या फिर कोई भी आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता ही है कि भाई अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी काम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके होने का रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को समझते हैं कि कोई भी एटम या फिर आयन बॉन्ड क्यों बनाते हैं। चलिए, इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरीज आई। ठीक है, कॉसेल लेविस की थ्योरी आई, उसके बाद में हमारे पास में VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, वेस्पर थ्योरी आई थी। ठीक है, MOT आई थी, बहुत सी थ्योरीज आई थी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सी थ्योरीज ने कोशिश की थी एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो थ्योरी आई वो थी हमारी कॉसेल लेविस की थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था भाई, इसमें कॉसेल और लेविस ने क्या है, यूँ कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल चीज़ को, हाइपोथेटिकल जो बात है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यानी कि कॉसेल और लेविस की जो थ्योरी है उसने सबसे पहले ये बताया कि देखिए भाई, हमारा जो एटम होता है, मान लेते हैं हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर जो है ये शेल्स प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है,
ऑर्बिट्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स क्या हैं, शेल्स कौन सी होती हैं, के एल एम एन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी ने पढ़नी है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है वो उसकी जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं आप उसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसकी बेसिक हमने स्टडी की थी। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, देखिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एटम है। सबसे पहले कॉसल और लेविस थ्योरी की बात करेंगे हम। ठीक है, ये मेरा एटम है। इस एटम के अंदर इस न्यूक्लियस और साथ में जो इसकी इनर शेल्स की जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो टर्म है कर्नल। ठीक है, ये टर्म आती है इस चैप्टर के अंदर कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारा न्यूक्लियस है प्लस जो हमारी इनर शेल्स हैं उन दोनों को मिला के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाता है कर्नल। ठीक है, तो कॉसल और लेविस की थ्योरी ने क्या कहा था कि इस कर्नल के अलावा, ठीक है अब मान लेते हैं इसके अंदर तो दो शेल्स प्रेजेंट है, तो इनर शेल्स कौन सी हुई, ये वाली, ये हो गई हमारी इनर शेल के और ये हो गई एल। ठीक है, तो यानी इनर शेल हमारी के और जो हमारा न्यूक्लियस है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अलावा जो शेल होती है उसको बोला जाता है आउटर शेल। ठीक है, ये क्या होगी हमारी आउटर शेल। इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि इसको एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इस शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैंने आपको मैजिक नंबर बताया था 2, 8, 8, 18, 32, ये मैंने आपको मैजिक नंबर बताए थे बकायदा, आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है, किसी को नहीं पता, तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़िएगा उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पे आइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा यूँ है होता है कि क्वेश्चंस इसके होते नहीं हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग से समझ आने लग जाएगा तो ये केमिस्ट्री का सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है। ओके, तो कॉसल और लेविस ने क्या कहा, कर्नल के अलावा जो भी शेल प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है आउटर शेल। ठीक है, कर्नल के अलावा सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट होगी उसको कहा जाएगा आउटर शेल। आउटर शेल जो होगी उसके अंदर हमें पता है कि अपना ऑक्टेट या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स वो डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि लेविस ने सिर्फ एक लाइन में ये कहा था कि भाई कोई भी अगर एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग अगर कर रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग उसका करने का रीज़न क्या है, वो अपने आप को क्या है, बॉन्डिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, केमिकल बॉन्डिंग होने का, केमिकल बॉन्डिंग करने का मेन रीज़न क्या है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये था लेविस का एक लाइन में एक्सप्लेनेशन कि भाई बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी एटम आयन जो है अपने साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाता क्यों है, वो इसलिए बनाता है। देखिए हम भी नॉर्मल लाइफ में हैं, हम भी अगर जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे हम बिल्कुल स्टेबल हों, हमारे पास में हर चीज़ हो, यानी कि आज के टाइम में सभी को ये है कि हमारे पास में पैसा भी हो, हमारे पास में अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी फैमिली हो, स्टेबल रहें हम। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे एटम्स और आयन भी चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल रहें। तो कुछ एटम्स आयन्स ऐसे होते हैं जो ओनली मतलब एक एटॉमिक फॉर्म के अंदर बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपना बॉन्डिंग बनाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब इसी में एक एक्सेप्शन आ जाता है हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये अपने आप को स्टेबल पहले से ही कर चुकी होती हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने का बात मतलब क्या है, नियॉन मान लेते हैं, नियॉन के हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 8, इसके अंदर ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। इस वजह से ये किसी के साथ भी कंबाइन होने की कोशिश नहीं करता क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं, पहले से अपने लाइफ के अंदर स्टेबल है। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हो गया 2, 8 और 1, तो सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब देखिए इसको अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना एक एटम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद में इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाता है 2 और 8, इसके पास में स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ गई है, ये स्टेबल हो गया है। इसलिए कोई भी एटम या क्या है, एक बॉन्डिंग करता है। अब ये मैंने जो एग्जांपल लिया है ये NaCl के अकॉर्डिंग एग्जांपल लिया है। सोडियम का मैंने बता दिया आपको, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी एटम या फिर आयन, ठीक है कोई भी एटम या फिर आयन, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं हमारा कोई भी एटम मान लिया ए है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हमेशा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को
कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज। कोई भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अब जैसे सोडियम है और सोडियम क्लोराइड है हमारा NaCl है, ठीक है, तो NaCl के अंदर Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इसमें पॉजिटिव वन आ रहा है, इसमें पॉजिटिव वन चार्ज है और इस पर नेगेटिव वन चार्ज है, दोनों का बैलेंस है। इस पे पॉजिटिव वन क्यों है, इस पे नेगेटिव वन क्यों है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम जो है मेरा, सोडियम की हम मान लेते हैं, देखिए ये रहा सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो अपने पास रखता है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसमें हो गया 2, 8 एंड 7। इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर प्लस वन चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पर माइनस वन चार्ज, ठीक है। ये है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो आपको समझनी है, इस पर पॉजिटिव वन चार्ज और इस पर नेगेटिव वन चार्ज, ठीक है। ये समझाया लेविस ने कि भाई कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही हमेशा क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। दूसरी चीज़ आई थी लेविस का सिंबल वाला कंसेप्ट, लेविस का क्या, सिंबल वाला कंसेप्ट, लेविस सिंबल कंसेप्ट, SYMBOL सिंबल कंसेप्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया था लेविस ने, अपना जो है कंसेप्ट इसने दिया था कि किस तरीके से जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जब बॉन्डिंग करता है तो उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बॉन्डिंग हो रही है ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमेशा वही पार्ट लेंगे बॉन्डिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम, लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैसे देख लेते हैं हम, ओके 1s2 2s1, ठीक है भाई। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, लिथियम की हो गई 1s2 2s1। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यानी कि लिथियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वही बॉन्डिंग के लिए पार्ट ले रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है कि नहीं। अब देखिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोरोन, बोरोन जो है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p1, ओके। तो इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब देखिए यहाँ तक तो ये तो इनर मोस्ट शेल हो गई, आउटर मोस्ट शेल हो गई, अब इसके अंदर ये इनर मोस्ट शेल है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जिस वजह से ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है, ये हो जाएगी nth शेल और ये हो जाएगी हमारी n-1 शेल, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3, तो बेरिलियम बोरोन के अंदर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग के अंदर पार्ट लेते हैं, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आप जो है कर लेंगे इसको, आई नो अबाउट इट, आप जैसे जैसे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये था लेविस का सिंबल कंसेप्ट, और इस सिंबल कंसेप्ट को समझाने का एक और नया तरीका था, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो मैंने आप बता ही दिया, सोडियम क्लोराइड किस तरीके से है, सोडियम क्लोराइड को लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से समझाया गया था, पहले ये देखते हैं, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से देखते हैं, वो तो हमारा मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे थे हम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गई। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये वाली, ये हो गई हमारी nth, ये हो गई हमारी n-1 और ये हो गई हमारी n-2 शेल। nth शेल जो होती है वो हमेशा कौन सी शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम, सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये पार्ट ले रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो यानी 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s 3s2 6 4 10 12 और आगे आ जाएगा हमारा 3p5,
अब देखिए भाई, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल कौन सी हो गई? दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम सेम है और आउटर मोस्ट शेल है, तो ये हो गई हमारी nth, और जिसको हम कहेंगे वैलेंस शेल, ये हो गई हमारी n-1s शेल, और ये हो गई हमारी n-2 शेल। ठीक है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। वैसे तो बहुत पहले आ जाता है डॉट स्ट्रक्चर। ये है हमारा सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। अब हम बनाएंगे हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, 1, 2, ये देखिए 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। अब होता क्या है, ये वाला जो हमारा क्लोरीन है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले लेता है। ठीक है, ले लिया इसने, ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। इसमें क्लोरीन जो है इसके पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सोडियम जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन ले देता है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, एक लेता है। ये था लेविस का डॉट स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया था। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, जिससे हम समझ जाएंगे अच्छे से। एक छोटी सी चीज़ और आपको समझा देती हूँ, जब भी दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बन रही है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा सोडियम हो गया, ये हमारा क्लोरीन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब भी किन्हीं दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बनेगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। हमें पता है चार्जेज जो है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। इस वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी, या फिर यूं कहें कि इनकी जो बॉन्ड होगी, इनके बीच की जो बॉन्ड होगी, वो एक तरीके की इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड शेयर कर लिया, और ये जो बॉन्ड हमारे पास में बनी है, ये बनी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और जो अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ही बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैंने लिया था एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल जो कि था हमारा सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, और जो एग्जाम्पल हम लेंगे उससे पहले ऑक्टेट रूल का जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट रूल के बारे में जब समझाया गया था लेविस के थ्रू, तो आगे और भी बहुत से साइंटिस्ट आए। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे सबको ऑक्टेट रूल पसंद आने लगा, सबको लगा हाँ कुछ ना कुछ है इस थ्योरी के अंदर बात, और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी और थ्योरीज देनी शुरू की। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल में सबसे पहले जो बॉन्ड समझा आने की कोशिश की गई थी, वो आया था कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्डिंग जो समझाई गई थी, वो थी कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। और इसके बारे में समझाया किसने था? इसके बारे में समझाया था सबसे पहले लैंगम्यूर ने, जो कि समझाया था 1919 के अंदर। लैंगम्यूर ने समझाया था 1919 के अंदर। उन्होंने क्या किया था, लेविस का जो पोस्टुलेट था कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसी को इंट्रोड्यूस किया था, इसी को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, एक तरीके से इसको लेविस लैंगम्यूर थ्योरी भी कहा जाता है। इसे लेविस लैंगम्यूर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर था क्या भाई, कि कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रही है, ठीक है, कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रही है, तो एक इस तरीके की बॉन्ड होती है कि ये अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एटम है ए और ये एटम है बी, इनके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यानी कि शेयर किया जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन, अब ये शेयर करने के बाद में हम नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन ए का रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ए का था पहले भी था, अब ये इलेक्ट्रॉन बी का है। मतलब अच्छे से समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये बी का है। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, शेयरिंग करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन इनके खुद के नहीं रहे, ए के पास में अब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बी के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है। यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लोरीन का हमें पता है, क्लोरीन के पास में वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो क्लोरीन के एटम लिए हैं मैंने जिनके पास में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों ने क्या किया भाई, इन दोनों ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनानी शुरू की। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाई गई, कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनाई गई क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। बिल्कुल वही थ्योरी चलेगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्लोरीन ये वाला ए और ये बी, ठीक है। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इस क्लोरीन का। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी दो एटम्स यूज़ कर रहे हो तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरीके से शो मत कीजिएगा। अगर इससे डॉट इसके डॉट से कर रहे हैं तो इसके क्रॉस से शो कीजिएगा, इसके इसके डॉट से करेंगे तो इसके क्रॉस से, यानी अलग अलग तरीके से शो कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। अब ये वाले क्लोरीन के अंदर कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या किया, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इनके बीच में बन गई एक तरीके की कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद में ए वाला जो हमारा क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 तो उसके पास पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये वाला जो क्लोरीन था इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया ए वाले क्लोरीन का, इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो हमेशा बनती है ये बनती है हमेशा शेयरिंग से, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा क्या रीज़न होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने का, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का। ये थी हमारी कोवलेंट बॉन्ड की मेन बेसिक थ्योरी, ठीक है। दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 7 थे अब 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों खुश हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ये हमारा क्लोरीन है, ये 4, 2, 2, 4, 2, 6, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इसका। तो ये दोनों क्लोरीन के अपने दोनों दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। अब देखिए हमेशा कोवलेंट बॉन्ड तीन तरीके की होती है, सबको पता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होती है सिंगल बॉन्ड होती है, डबल में 2 बॉन्ड होती है, ट्रिपल में 3 बॉन्ड होती है, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है जिसको, डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक तो होती है पाई बॉन्ड, एक होती है सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पाई बॉन्डिंग होती है, 1 सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है भाई। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड कब बनेगी, ये चीज़ और ध्यान कर लीजिए, जब भी दोनों एटम्स के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। जैसे इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इनके बीच में बन गई एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर 2 बॉन्ड की शेयरिंग हो तो हमेशा बनेगी डबल बॉन्ड, यानी एक एटम के द्वारा 2 बॉन्ड की शेयरिंग। फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का हमारा एटमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो अब देखिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए एक ऑक्सीजन ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेंगे। एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगी। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस वजह से डबल बॉन्ड बन गई। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके आ गए, 8 हो गए। इसके पास में भी 6 थे, 2 इसके आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गई डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, ले लेते हैं N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दैट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p3, या ओके। तो नाइट्रोजन जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला दूसरा एटम 1, 2, 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। दोनों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ में।
ओके तो पांच पहले से थे, तीन ये आ गए आठ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसके पास पांच पहले थे, तीन इसके आ गए आठ इलेक्ट्रॉन, एट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक दो तीन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक दो तीन, यानी इनके बीच में बन रही है ट्रिपल बॉन्ड। जितनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतने इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, ये है नॉर्मल सा कंसेप्ट। अब आप कुछ और एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स का, जिनको आपने क्या करना है, ट्राई करना है कि हमें दिखते हैं आते हैं आपको कि नहीं आते हैं। ओके तो सबसे पहले आप जो एग्जाम्पल करेंगे, होमवर्क है ये, मुझे बता दीजिएगा आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है H2O। दूसरा जो आप करेंगे वो होगा हमारा CCl4, ठीक है। तीसरा जो आप करेंगे वो होगा CO2। आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि H2O के अंदर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और क्लोरीन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ में। और एक एग्जांपल आप ले लीजिए C2H2 का, जिसको हम कहेंगे इथीन, ठीक है। क्या है ये, इथीन, ठीक है, इथीन का एग्जांपल। ये चार एग्जांपल है, ये आपने करने हैं, ओके। ये था नॉर्मल बेसिक जो हमने किया है, किसके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया है आपको किस तरीके से बनता है। कुछ और आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम सारी पढ़ेंगे आगे से आगे। अभी ये बेसिक आपको डिस्कशन मैंने बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर होगा क्या, ओके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे कम्प्लीट देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, ओके। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। मैं भी अभी से बहुत से स्टूडेंट जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए कह रहे थे उनको शेयर करने वाली हूँ, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए कि मैम हमारी बात सुनती नहीं है। बिल्कुल सुनते हैं आपकी, पर एक टाइम होता है हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने का। अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया तो बीच में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकती, ऑब्वियसली वो कंप्लीट होगा तभी स्टार्ट होगा, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं भी शेयर करूँगी इसको, आप भी इसको शेयर करिए ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।